गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 4 ऑफ द सब्जेक्ट मॉरल वैल्यू ऑफ क्लास 5. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ट्रू डील, यानी कि सच्ची साधना. गुरु नानक देव वॉज द फर्स्ट गुरु एंड फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन. ही वॉज जीनियस हु स्पेंड हिज एंटायर लाइफ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी. गुरु नानक देव जो रहते हैं वो सिख धर्म के फाउंडर होते हैं, यानी इन्होंने ही सिख धर्म बनाया था और ये इस धर्म के पहले गुरु होते हैं. ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे. इन्होंने अपना पूरा जीवन इंसानों के भलाई के लिए व्यतीत कर दिया. अकॉर्डिंग टू गुरु नानक, देयर इज़ ओनली वन गॉड हुज़ नेम इज़ ट्रुथ. गुरु नानक के अनुसार सिर्फ एक ही ईश्वर है जिसका नाम है सच. सच यानी कि सच्चाई ही एक इकलौता ईश्वर है. द होली बुक ऑफ सिक्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब कंटेन्स हाइम्स नॉट ओनली बाय द सिख गुरु बट दोज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम सेंट्स. और जो सिख धर्म का एक पवित्र जो ग्रंथ है उसका नाम है श्री गुरु ग्रंथ साहिब. इसमें ना सिर्फ सिख गुरुओं के द्वारा कहे गए मंत्र और मंत्र दिए गए हैं, बल्कि इसमें हिंदू और मुस्लिम साधुओं के द्वारा कहे गए मंत्र भी लिखे हुए हैं. नानक वॉज सेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 6. जब नानक जो जब 6 साल के रहते हैं तब इन्हें स्कूल भेजा जाता है. ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड अ क्विक लर्नर. और ये बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे और इसके साथ साथ जल्दी ही चीज़ों को सीख लेने वाले थे. मतलब ये बहुत ही बुद्धिमान थे. ही सून लर्न्ड एवरीथिंग एंड गेव अप गोइंग टू स्कूल. और जल्दी ही ये सब कुछ सीख जाते हैं और स्कूल जाना छोड़ देते हैं. हिज फादर ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ टू कीप हिम बिज़ी. और इनके पिताजी जो थे वो हमेशा इस बात को सोच करके चिंतित रहते थे कि वो गुरु नानक को कैसे बिज़ी रखें, यानी कि व्यस्त रखें. ही डिस्कस्ड हिज मैटर विथ हिज एम्प्लॉयर राज बुलर. और वो इस बात की चर्चा अपने एम्प्लॉयर यानी अपने मालिक से करते हैं जिनके यहाँ ये काम कर रहे होते हैं. उनका नाम था राज बुलर. ही एडवाइज्ड नानक फादर मेहता कालू राम टू सेंड नानक फॉर ग्रेजिंग द कैटल. नानक अग्रीड टू डू दिस जॉब. और जो राजबुलर रहते हैं वो नानक के पिताजी जिनका नाम था मेहता कालू राम, उनको ये सलाह देते हैं कि वो नानक को भेड़ बकरी या फिर मवेशी जो जानवर होते हैं उन्हें चराने के लिए भेजें. और नानक जो रहते हैं वो इस काम के लिए सहमत हो जाते हैं ये काम करने के लिए. ही टुक कैटल आउट टू ग्रीन फील्ड्स वेयर दे enjoyed their meals. और फिर वो उन कैटल्स को, कैटल्स वो होते हैं जो कि घास चरते हैं. ऐसे जितने भी जानवर हैं जो घास चरते हैं उन्हें हम कैटल्स बोलते हैं. तो कैटल्स को वो हरी हरी खेतों में लेके जाते थे जहाँ की वो अच्छे से खा करके बड़ी ही मौज करते थे, यानी वो हरी हरी घास खा करके बहुत खुश होते थे. नानक वॉज हैप्पी विथ हिज रूटीन बिकॉज ही हैड इनफ टाइम टू मेडिटेट ऑन गॉड. और नानक जो थे वो भी इस काम को करके बहुत ही खुश रहते थे क्योंकि उन्हें बहुत सारा पर्याप्त समय मिल जाता था जिससे कि वो ईश्वर में ध्यान लगा सकें. वन डे नानक वॉज एब्जॉर्ब्ड इन सच डीप थॉट दैट ही वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ हिज सराउंडिंग. और एक दिन नानक इतने ज़्यादा खो जाते हैं अपने ध्यान, मतलब वो जब ध्यान लगा करके बैठे होते हैं तो इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वो उनके चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है. When he was in this state, the cattle moved to a farmer's field and started eating the ripe crops. और जब वो इस स्थिति में होते हैं तभी उनके जो मवेशी रहते हैं, जो जानवर रहते हैं, वो किसी के खेत में घुस जाते हैं और वो सारी कच्ची फसलों को खा जाते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं. द फार्मर वॉज वेरी एंग्री वेन ही सॉ द कैटल्स डिस्ट्रॉइंग हिज फील्ड. और जब वो उस खेत का जो मालिक रहता है वो यह देख करके कि जानवर जो है उसकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं वो बहुत गुस्सा हो जाता है. ही पुश्ड द कैटल आउट टू द प्लेस वेयर नानक वॉज मेडिटेटिंग. ही स्क्रीम्ड एट हिम बट नानक डिड नॉट रिस्पॉन्ड. ही कॉट हिम बाई हिज शोल्डर एंड शूक हिज बॉडी.
उसके बाद जब वो जानवरों को देखता है तो उन्हें धक्के मार करके उस जगह तक भगाता है जहाँ की नानक जो है वो मेडिटेशन कर रहे थे। वो आ करके नानक के ऊपर चिल्लाते भी हैं, उनको भला बुरा भी बोलते हैं और इसके बाद वो उसे उनके कंधे को पकड़ करके हिलाते भी हैं। नानक वॉज इन स्टेट ऑफ डीप ट्रेंस। दिस एनरेज्ड द फार्मर एंड ही डिसाइडेड टू रिपोर्ट द मैटर टू राज बुलर। फिर नानक, क्योंकि नानक बहुत ही गहरे ध्यान में खोए हुए थे और जब वो उस फार्मर की बातों को कोई मतलब बातों के लिए कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे तो इससे वो फार्मर जो रहते हैं वो और भी गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो इस मामले को राज बुलर तक लेके जाएंगे। He went to Raj Buller and requested, "Sir, my crops has been destroyed by Mehta Kalu's cattle." फिर वो जब राज बुलर के पास जाते हैं तो वो उनसे विनती करते हैं और बताते हैं कि सर, मेरी सारी फसल जो है वो मेहता कालू के मवेशियों द्वारा बर्बाद कर दी गई है। His son who look after the cattle is in deep sleep. और उनका बेटा जो कि उन मवेशियों की देखभाल कर रहा था वो गहरी निद्रा में सो रहा है। I tried to wake him up but in vain. I request you to summon Mehta Kalu's and order him to pay for the damage done to my crop. और फिर वो आगे बोलते हैं कि मैं उसे बहुत जगाने की कोशिश कर रहा था यानी नानक को, लेकिन वो सब व्यर्थ था और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेहता कालू को बुलाइए और उसे आदेश दीजिए कि उसके मवेशियों ने मेरी जितनी भी फसल बर्बाद की है वो उसके लिए मुझे रकम चुकाए। राज बुलर कॉल्ड मेहता कालू एंड नानक टू हिज रेजिडेंस। फिर राज बुलर जो रहते हैं वो मेहता कालू को और नानक को अपने घर पे बुलाते हैं। व्हेन दे केम ही सेड, दिस फार्मर कंप्लेन्स दैट हिज क्रॉप हैव बीन डैमेज्ड बाय योर कैटल एंड यू शुड पे फॉर द लॉस। और जब वो उन्हें बुलाते हैं तो कहते हैं कि इस किसान का कहना है और वो ये शिकायत कर रहा है कि उसकी फसलें जो हैं वो तुम्हारे मवेशियों के द्वारा बर्बाद कर दी गई हैं और तुम उसकी कीमत चुकाओगे। ऑन हियरिंग दिस मेहता कालू वॉज डिसअपॉइंटेड एंड लुक्ड एट नानक हु वॉज स्टैंडिंग क्वाइटली देयर। और ये बात सुन करके मेहता कालू जो रहते हैं वो बहुत ही निराश हो जाते हैं और वो नानक की ओर देखने लगते हैं जो कि वहाँ शांत खड़े थे। नानक स्टूड सीरेन एंड सेड टू राज बुलर, प्लीज़ आस्क योर पापे टू गो टू दिस फार्मर्स फील्ड एंड मेक एन एस्टिमेट ऑफ लॉस डन टू हिज क्रॉप। पहले तो वहाँ पे नानक बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं लेकिन उसके बाद वो राज बुलर से कहते हैं कि आप अपने लोगों को इस किसान के खेत में भेज करके कह दीजिए कि वो अनुमान लगाएं कि उसकी कितनी फसलों को उसकी कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं। राज बुलर ऑर्डर्ड हिज पीपल टू असेस द डैमेज दैट हैड बीन डन। और उसके बाद राज बुलर जो रहते हैं वो अपने लोगों को भेज करके फसलों की बर्बादी का अनुमान लगाने को कहते हैं। द फार्मर टुक देम टू हिज फील्ड, दे वर कम्प्लीटली सरप्राइज्ड व्हेन दे सॉ द क्रॉप स्टैंडिंग इंटैक्ट। और उसके बाद जो किसान रहता है वो उनके राज बुलर के लोगों को अपने खेत तक लेके जाता है और जब वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो वो सब ये देख करके हैरान रह जाते हैं कि जितनी भी सारी फसलें हैं वो सब बड़े ही आराम से बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं खेतों में। दे वेंट बैक एंड रिपोर्टेड दैट द फार्मर वॉज अ लायर एज द क्रॉप वॉज नॉट एट ऑल डैमेज्ड। और फिर वो वापस जाते हैं और वो बताते हैं राज बुलर को कि किसान जो है वो झूठ बोल रहा था और उसकी फसल जो है वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुई है। राज बुलर आज द फार्मर, वाई डिड यू लाई टू मी। द फार्मर फोल्डेड हिज हैंड एंड सेड, बिलीव मी सर, द कैटल हैड एक्चुअली डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ माई फील्ड, बट वेन आई वेंट विथ योर पीपल आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी द फील्ड इंटैक्ट एंड क्रॉप्स वर इवन बेटर दैन बिफोर। फिर राज बुलर जब उस किसान से पूछते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला मुझसे, तो किसान अपने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि सर, मेरा विश्वास करिए, और जो मवेशी हैं उन्होंने लगभग आधा खेत बर्बाद कर दिया था, लेकिन जब मैं आपके लोगों के साथ वहाँ गया तो मैं भी ये देख करके हैरान हूँ कि सारे फसल जो हैं वो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से खेतों में खड़े हैं, लहलहा रहे हैं। राज बुलर अंडरस्टूड द मैटर एंड स्पोक टू नानक्स फादर, नानक इज़ अ ग्रेट बिलीवर एंड थिंग्स ऑफ गॉड ऑल द टाइम, इट इज़ हिज एब्सोल्यूट फेथ इन गॉड दैट हैज़ रिवाइव्ड द फार्मर्स क्रॉप।
तो राजकुलर ये सब पूरा मामला समझ जाते हैं और वो नानक के पिता से बोलते हैं कि नानक ईश्वर में पूरे टाइम ईश्वर में विश्वास करने वाला बहुत महान व्यक्तित्व है और वो पूरे टाइम ईश्वर के बारे में ही सोचता रहता है और ये इसके विश्वास का और उसकी आस्था का ही नतीजा है कि इस किसान की फसलें जो हैं वो फिर से पुनर्जीवित हो गई हैं। यू शुड नॉट वरी अबाउट नानक एंड इन फ्यूचर इफ़ ही कॉसेस एनी लॉस आई शैल पे फॉर इट। और फिर वो आगे राजबुलर कहते हैं कि तुम्हें नानक के बारे में फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भविष्य में अगर उसकी वजह से कोई भी नुकसान होता है तो मैं उसके लिए पे करूँगा। गुरु नानक वर्क एज कैटल ग्रेजर फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड फाइनली गेव अप दिस जॉब टू। मेहता कालू ट्राइड मेनी डिफरेंट जॉब्स फॉर नानक बट ही वॉज अपरेंटली नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वर्ल्डली जॉब। गुरु नानक कुछ साल तक तो ये इसी तरीके से वो कैटल्स को ग्रेज करवाते रहे, मतलब चराने लेके जाते थे जानवरों को, लेकिन उसके बाद वो इस काम को भी छोड़ देते हैं। और फिर मेहता कालू जो रहते हैं वो अलग अलग बहुत से काम नानक से करवाना चाहते थे, उसको उनको देना चाहते थे कि वो कोई जॉब करे, लेकिन नानक जो रहते हैं वो इस सांसारिक कार्य में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। His father did not like Nanak in the company of religious people. He wanted Nanak to do some respectable job to get settled in life. He also wanted Nanak to get married and have children like other human beings. और उनके पिता जो थे उन्हें नानक की जो धार्मिक लोगों के साथ इनका इनकी जो बैठक होती थी या फिर लोगों के साथ जो ये रहते थे उनके साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद था इनके पिताजी को। वो चाहते थे कि नानक भी कोई एक सम्मानित नौकरी करें और अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं, और वो ये भी चाहते थे कि नानक शादी कर लें और बच्चे भी उनके हों जिस तरीके से बाकी के लोगों के होते हैं। नानक लाइक्ड टू रिमेन इन द कंपनी ऑफ सीज एंड सेंट्स। ही थ्रूली एंजॉयड व्हेन दे डिस्कस्ड ऑलमाइटी गॉड एंड हिज वंडरफुल क्रिएशंस। नानक को इसके विपरीत साधुओं और संतों की कंपनी यानी उनके साथ रहना पसंद होता था और इन्हें बहुत अच्छा लगता था जब वो सब ईश्वर के बारे में बात करते थे, उनके क्रिएशन यानी ईश्वर की रचनाओं के बारे में बात करते थे। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द नेशन विद भाई मर्दाना एंड भाई बाला। They also traveled to Tibet, China, Sri Lanka and Mecca. Guru Nanak reformed the lives of a large number of people during the course of his travels. और इसके अलावा वो कई अन्य देशों की यात्रा भी की थी उन्होंने, गुरु नानक देव ने, भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ। उन्होंने तिब्बत, चाइना, श्रीलंका और मक्का की भी यात्रा की। गुरु नानक ने अपनी इस यात्रा के दौरान बहुत से लोगों को अपने अनुयायी बनाया और उन्होंने ईश्वर के संदेश को उनको सुनाया। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टेक द करेक्ट आंसर। गुरु नानक देव वॉज द डैश गुरु ऑफ सिख रिलीजन। आंसर इज फर्स्ट। नंबर टू, नानक लाइक टू रिमेन इन द कंपनी ऑफ। आंसर इज सेंट्स। नंबर थ्री, गुरु ग्रंथ साहिब इज़ अ होली बुक ऑफ। आंसर इज सिक्स। नंबर फोर, नानक वॉन्टेड टू स्पेंड हिज ऑल टाइम इन सर्विस ऑफ। आंसर इज गॉड। नाउ स्टेट ट्रू और फॉल्स। नंबर वन, गुरु नानक वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इट इज ट्रू। नानक्स फादर वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम। इट इज फॉल्स। नेक्स्ट, द फार्मर बिकम वेरी एंग्री वेन ही सॉ द कैटल्स इन हिज फील्ड। इट इज ट्रू। Next, Nanak was a great believer of God. It is true. Next, his father liked Nanak in the company of sages. It is false. Now fill in the blanks. Number one, Guru Nanak was the dash of Sikhism. Answer is founder. Next, he was a brilliant dash. Answer is student. Next, Nanak liked to remain in the dash of saints. Answer is company. Dash in God is the greatest virtue. Answer is faith. Next, Nanak worked as dash grazer. Answer is cattle. So that's all for today. Thank you so much.